हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये हिंदी के लिए मैंने सीरीज शुरू की है। तो ये आपका जो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है या UPPCS मेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें विलोम शब्द आते हैं। तो हिंदी के लिए मैं ये पहला सेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं या कहें कि जो याद करने में थोड़ा कठिन होते हैं, उनका एकदम से चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो वो मैंने लेने की उसमें कोशिश करी है। तो 25-30 जो हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ लगेगा कि बताने लायक है, तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड वर्ड है संकीर्ण। उसका देखिए विलोम शब्द है आपका विस्तीर्ण, ठीक है। तो संकीर्ण मतलब छोटा, नैरो टाइप का होता है। विस्तीर्ण मतलब बड़ा टाइप का। संधि का देखिए, संधि का विग्रह होता है। संधि का मतलब जब, जैसे मान लीजिए कि जैसे दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में संधि हो गई, और लेकिन लड़ाई हो गई वो आपस में, तो विग्रह हो गया, तो संधि का आपका विग्रह हो गया। अब यथार्थ है देखिए वर्ड, इसका देखिए कल्पित है, ठीक है। यथार्थ का मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो एक तरीके से रियलिटी टाइप की है, जो हमें दिख रही है वो यथार्थ है, ठीक है। लेकिन जो भी भावनाएं कल्पना में चल रही हैं वो हमारी कल्पित हैं, तो यथार्थ का कल्पित हो गया। अब देखिए तिमिर है। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। तिमिर का मतलब आपका अंधेरा होता है। तो जहाँ पे भी तम जैसे वर्ड आएगा तो वहाँ पे अंधेरा ही समझिएगा आप, ठीक है। आलोक का मतलब देखिए आपका होता है प्रकाश, लाइट, ठीक है। तो उस जो है तिमिर का आलोक हो गया। इसी की तरीके एक वर्ड आता है जैसे ज्योति करके होता है, तो ज्योति का तम होता है। अब देखिए, ज्योति जो होता है प्रकाश से रिलेटेड होगी, तम अभी मैंने बताया अंधेरे से रिलेटेड, ठीक है। तो तिमिर का आलोक हो गया। आविर्भाव का तिरोभाव हो गया, ठीक है। जंगम का स्थावर, ठीक है। जंगम का मतलब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला, मतलब जो स्थाई नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, कहीं रुका हुआ नहीं है, वो जंगम है। और जो चीज़ स्थाई है वो हमारी स्थावर है, ठीक है। विराट का क्षुद्र मतलब जो महान है, बड़ा है थोड़ा, ठीक है। उसका देखिए अपोजिट क्षुद्र हो गया, ठीक है। गौरव का लाघव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गौरव का लाघव, ठीक है। अंतरंग का बहिरंग, मतलब इंटरनली जो रिलेटेड है, अंत का बही, ठीक है। इससे भी याद कर सकते हैं कि अंत का भाई, रंग का तो रंग हो ही गया, ठीक है। सहयोगी का प्रतियोगी, देखिए जो हमारी सहायता करता है वो हमारे सहयोगी होता है, क्योंकि हमसे कंपटीशन करने लगे तो प्रतियोगी होता है ना, जैसे एग्जाम में प्रतियोगी होते हैं सारे। उसके बाद में देखिए सुदूर मतलब दूर का, सन्निकट मतलब पास का, सुदूर का सन्निकट। समास का देखिए, समास का आपका व्यास हो गया, ठीक है। सुशील का मतलब ठीक ठाक, मतलब कोई लड़का अच्छा है, तो सुशील हो गया। इसका अपोजिट दुशील हो गया, ठीक है। वक्र का, जैसे वक्र का मतलब क्या है, थोड़ा मतलब कठिन मानते हैं जिस चीज़ को, तो उसको वक्र कहेंगे। तो इसका अपोजिट सरल या रिजू हो गया, जैसे सीधी सरल रेखा में सरल कहलाता है। रचना, किसी चीज़ की रचना करना, निर्माण करना, ठीक है। उसी को जैसे मान ली कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रचना की जा रही है, उसको तोड़ दिया तो उसका ध्वंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार, मतलब कोई भी जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन में जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था भारतीय लोगों द्वारा, लेकिन अगर वे उसी टाइम पे स्वीकार करते तो इसका अपोजिट होता। स्वीकार या अंगीकार वर्ड भी कई बार यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहिष्कार का आपका स्वीकार और अंगीकार। उसके बाद देखिए विशाल काय, मतलब बहुत बड़ा सा होगा साइज में, तो विशाल काय का क्षीण काय या लघु काय, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख, प्रमुख का मतलब कोई इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रमुख का क्या, सामान्य होगा या गौण होगा, जनरल, ठीक है। तो प्रमुख का सामान्य और गौण हो गया, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर पे अर्वाचीन, इसका है प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब एक तरीके से नवीन भी मान सकते हैं या नया भी मान सकते हैं, तो इसका प्राचीन, पुराना, पुरातन कुछ भी मान लीजिए। प्रलय, देखिए प्रलय आ गई तो उसका अपोजिट क्या होगा, षष्ठी होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ईश्वर का अनीश्वर होगा। इसमें देखिए मात्रा भी याद रखिएगा, पता चला कि आप लिख के आ गए मात्रा से ही नहीं, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे भी आपका ये रिटर्न एग्ज़ाम टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारे एग्ज़ामों में काम आने वाली हैं आपकी, ठीक है। उद्धत का विनीत, ठीक है। उद्दंड हो गया या उद्धत हो गया तो उसका विनीत होता है, विनम्र विनीत टाइप का। आपका उत्तरायण का दक्षिणायण हो गया, ठीक है।
फिर आपका ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो गया, फिर ये चिरंतन मतलब जो चिरकाल से चला आ रहा हो, काफ़ी टाइम से चला आ रहा हो, ठीक है, उसे चिरंतर कहते हैं, लेकिन जो नाश होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो गया। अब 27 नंबर पे देखिए गरल का सुधा। अब देखिए जो गरल होता है इसको हम विष कहते हैं यानी पॉइजन, ठीक है, और इसको एक और वर्ड होता है वो होता है आपका हला हल, ठीक है, हलाहल भी कहते हैं, विष या हलाहल। और सुधा का मतलब जो होता है आपका अमृत होता है, ठीक है, तो विष का अमृत होता है यानी गरल का सुधा हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी ऐसा कोई रिलेशन इनका मिल नहीं रहा है एक दूसरे वर्ड से, तो इस वजह से मैंने सारे वर्ड्स लिए हैं जो एक तरीके से याद करने में भी जब एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल टिप पे आ जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम से, आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। वैसे मैंने कोई पेपर वगैरह तो देखा नहीं अभी, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब देखिए प्रवृत्ति का निवृत्ति, ठीक है, श्री गणेश का मतलब किसी चीज़ का शुभारंभ करना, श्री गणेश का देखिए इति श्री, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अलग सा लग रहा है। श्यामा का देखिए गौरी है, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने पूछे हैं, तो देखिए सबसे पहला है रात्रि के प्रथम पहर को क्या कहते हैं, दूसरा है सुनहरी आंखों वाली नायिका को क्या कहते हैं, तीसरा जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो इसको क्या कहते हैं, तारों भरी रात को क्या कहते हैं, पांचवा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, ठीक है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में इन पांचों के अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है वो बताइएगा, बाकी इन जो भी वर्ड्स हैं ये आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप सोचिए जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं कि अगर हम जैसे 30 है, ठीक है, अगर ये आप सीरीज़ मेरे साथ शुरू करते रहे तो अगर मैं 10 दिन भी इसको अगर चला दूं तो देखिए 10 दिन में आपके 300 वर्ड्स हो जाएंगे और आपको इसके लिए कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वीडियो को रिवाइंड करके सारा का सारा देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।